में आकर अपने पत्नी धर्म का पालन ही भूल गए। आप फर्शों से अंजल त्याग कर तप कर रहे हैं और हमने आपसे भोजन के लिए भी नहीं पूछा। हम अभी आपके लिए भोजन लेकर आते हैं, फिर आप अपने नेत्र खोलिएगा और भोजन कीजिएगा। और उसके पश्चात अगर इच्छा हो तो हमें देख भी लीजिएगा। स्वामी, देवी पार्वती महादेव के समक्ष आ चुकी हैं, परंतु महादेव ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली। क्या उन्हें आदि शक्ति के पुनर्जन्म की अनुभूति नहीं होगी? देवी, महादेव के अनुभूति होने के पूर्व देवी पार्वती को भी एक अनुभूति होना अनिवार्य है। अर्थात देवी पार्वती की अपनी वास्तविकता का अनावरण। देवी पार्वती को यह ज्ञात होना शेष है कि वे कौन है। इस मनुष्य रूपी शरीर में महादेव को पाने के लिए क्यों जन्मी है? और इस मनुष्य रूपी शरीर की सीमाओं को पार करके महादेव के योग्य बनने के लिए उन्हें क्या क्या तप करने होंगे? आप ही ने कहा था ना देवी कि ये उनके लिए कठिन होगा, कहीं देवी पार्वती भयभीत ना हो जाएं। देवी पार्वती को इस भय का सामना करना ही होगा। इन भावनाओं से ऊपर उठना ही होगा। तो इस पुण्य मिलन में कई कठिनाइयां आने वाली हैं। शिव को पाना मतलब सब कुछ पा लेना। शिव ही आदि है और अंत भी शिव है। शिव अतुल्य है, तो महादेव को पाने के लिए कठिनाइयों का सामना तो करना ही होगा। माता उसे पहचाना नहीं। माता, माता रुक जाइए। माते माँ, आपके दर्शन पाकर बस मन किया कि आपको दंडवत प्रणाम करूं। क्रोध में किया हुआ कार्य सर्वदा पश्चाताप का कारण बनता है। माते, मेरी आपसे विनती है कि आप शिवलिंग को वापस ले जाइए। दक्षायणी अपना निर्णय वापस नहीं ले सकती। माता, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। क्षमा करें माता, अब आप ऐसा कोई आग्रह न करें जिससे महादेव की आज्ञा की अवहेलना हो, अन्यथा मेरे लिए मृत्यु का आलिंगन करना ही सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तुम्हें कैसे भूल सकते हैं हम नंदी? तुम ही तो थे जिसने महादेव के लिए हमारा प्रेम समझा,
देवी ने तो ससुराल में हमें सारे संबंधों का अपार प्रेम और आदर दिया, हमारा क्या योगदान रहा? हमारे कारण कैलाश उजड़ गया, महादेव इतनी अधिक पीड़ा में है। हमारे अनेक अनुग्रहों के बाद भी वो अपना तप नहीं तोड़ रहे, और तुम एक प्रतिमा में परिवर्तित हो गए हो। पार्वती, पहचाना? आप हमें बताते क्यों नहीं कि हमारी पुत्री कहाँ है? कहाँ भेजते हैं आप उसे? इसके लिए वो भोजन लेकर जाती है। बताइए, हमें ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि आप स्पष्ट रूप में सत्य को हमसे छुपा रहे हैं? आप व्यर्थ चिंता कर रही, विश्वास रखिए मैडम, पार्वती जो कुछ कर रही सही कर रही। वही हम जानना चाहते हैं, क्या कर रही है पार्वती, बताइए ना। इस समय आप सत्य को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं। हम अपनी पुत्री के लिए हर सत्य को सहन कर सकते हैं। हम वो सत्य जानना चाहते हैं जो आप हमसे छिपाए जा रहे हैं। अभी नहीं मैडम, आपको प्रतीक्षा करनी होगी, सही समय पर हम आपको सत्य भी बता देंगे। महादेव से तुम्हारा मिलन यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु लाई हूं तुम्हारे लिए, जिसे देखते ही महादेव अपनी समाधि से बाहर आने को विवश हो जाएंगे। वस्तु क्या है दीदी? ये वही रुद्राक्ष है जो तुम्हारे रक्त से भीग गया था, और यही मैंने महादेव को दिखाया था। शतपीठ से तुम्हारा विवाह रोकने हेतु सती की चिंता मुझे भी है दीदी, आप जाइए, सती का कल्याण अवश्य होगा। काल के गर्भ में क्या छिपा है ये तो आने वाला कल ही बताएगा, परंतु अब सती का अहित नहीं होगा, ये वचन है मेरा। इसे देखते ही महादेव को आभास हो जाएगा कि तुम कौन हो।
रुद्राक्ष इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेगा। तब भी इसे देखकर महादेव तुम्हारे लिए अधीर हो उठे। कैलाश छोड़कर दौड़े चले आए थे। देखना इस बार भी इसका स्पर्श पाते ही उन्हें तुम्हारा आभास हो जाएगा। ये रुद्राक्ष तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है।